डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग सैंपल, मतलब इसमें क्या होगा कि आप कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि कितने लोग को सिलेक्ट करना है, कैसे पता चले कितने लोग को सिलेक्ट करना है। हमने डिसाइड किया कि 11th 12th है, बट 11th 12th में ऐसा हो सकता है कई बार आप जिस दिन क्वेश्चनेयर करने गए या क्वेश्चन लेके, उस दिन ही वो एब्सेंट है, कोई कुछ लोग एब्सेंट है, तो सही रिजल्ट मिलेगा आपको? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एब्सेंट अगर ज्यादा हो तो सही इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस नहीं है। सो फॉर दैट एवरीवन हैव टू बी प्रेजेंट एंड एवरीवन हैव टू बी देयर एंड से द करेक्ट आंसर, से द करेक्ट आंसर, सही इंफॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होगा कि कुछ लोग गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ओके, क्लियर, गॉट इट? कोई क्वेश्चन? लास्ट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आपके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो होगा वो लिमिटेड लोग का ही होगा, सबका इंफॉर्मेशन नहीं होगा आपके पास। आप कुछ लोग का ही इंफॉर्मेशन लेके खड़े हो, आप यू आर नॉट, यू कैन से दैट यू विल नॉट गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी वन, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन पीपल, नॉट द होल, यू कैन से ऑल, नॉट द होल पॉपुलेशन, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन पीपल, नॉट एवरी वन। ओके, तो स्पेशलाइज नॉलेज नेगेटिव भी हो सकता है कई बार, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का एग्जाम्पल दिया, वो डेटा है 70% 11th 12th में, बट ओवरऑल 80% है, तो इंफॉर्मेशन गलत हुई और हमारे पास जो नॉलेज आया है वो गलत इंफॉर्मेशन आया है। ओके, करेक्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, करेक्ट नहीं है, तो दैट इज द रीजन कि ये मेथड तब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट ने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कि इजी हो जाएगा अगर इंफॉर्मेशन सही निकल सकती है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स है। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के होने के चांसेस है, हमने आगे पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में कई बार के पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज थी सब में, मेरिट डिमेरिट दोनों में से। चलो, अभी इसमें कोई डाउट? चलो एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। तो एसेंशियल्स फॉर सैंपल, अगर आप सैंपल कलेक्ट करने जाते हो तो क्या क्या चीज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हो तो रिप्रेजेंटेटिव, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव। एक बंदा, एक पर्सन, एक एम्प्लॉय होना चाहिए जो आपका काम करे एंड गेट द परफेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल। ठीक है, अगर मैंने आप अपने क्लास मॉनिटर को काम, मैं क्लास टीचर हूं, मैंने अपने क्लास मॉनिटर को इंफॉर्मेशन, मतलब उसको काम पे लगाया है कि तू जाके सबकी क्लास वर्क चेक कर ले, तो वो सही काम करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव शुड डू द करेक्ट वर्क। अभी फॉर एग्जाम्पल अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड है, उसने होमवर्क नहीं किया और आप जाने देते हो, तो टीचर ने आप पे भरोसा किया था। ओके, टीचर हैव अपॉइंटेड यू कि आप चेक करोगे, यस चांसेस है कि गलती हो सकती है, बट आपने जानबूझ के जाने दिया, देन इट विल बी अ रॉन्ग इम्प्रेशन। इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड इज इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने क्लास मॉनिटर को इंफॉर्मेशन, क्लास वर्क चेकिंग के लिए काम दिया हुआ है, तो वो ऐसा नहीं करे कि भाई लास्ट टाइम दूसरे किसी ने, कि भाई लास्ट टाइम तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, इस बार मुझे छोड़ दे तू, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की इंफॉर्मेशन निकलवाने जाते हो, तो आपको भले आपका फ्रेंड बोले कि मेरा नाम मत लिख, मैं उस दिन नहीं आने वाला, फिर बाद में आ जाओ तो पता नहीं, नहीं तू बोल वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, वही जानना है हमें, आप आते हो नहीं आते हो वो सेकेंडरी चीज है, वो बात की बात है, बट आप पहले तो इंफॉर्मेशन निकलवाओगे, और आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो कि वो उससे नॉन वेजिटेरियन बोला, या वो एक दिन में वो बंदा 50 इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है और आप 30 ला रहे हो, तो ऐसा डिपेंडेंट नहीं होना है, चलो मैं भी फटाफट 50 ला दूं, नहीं,
जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है वो सही तरीके से लाओ। एंड इसमें लिखा हुआ है कि ऑल यूनिट्स ऑफ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब अगर आप इजी वर्ड में समझाने जाओ ना, 11, 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो तो दैट वॉन्ट बी डिपेंडेंट ऑन साइंस स्टूडेंट्स। साइंस स्टूडेंट्स में इतने वेजिटेरियन है, इतने नॉन वेजिटेरियन है, नहीं, वो ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन निकालनी है, दैट्स इट। ओके, चलो थर्ड पॉइंट इज होमोजेनिटी। एक मिनट, होमोजेनिटी का मतलब सिमिलर। आप जितने भी सैंपल लेने जा रहे हो वो सिमिलर काइंड ऑफ लोग होने चाहिए। जैसे मैंने बोला 11, 12 कॉमर्स की इन्फॉर्मेशन निकलवाने जाओ, सिमिलर होगा। अगर 11, 12 की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो साइंस के निकालो या कॉमर्स की निकालो। एक साइंस लो एक कॉमर्स लो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आइधर दोनों साइंस लो या दोनों कॉमर्स लो, इसको होमोजेनिटी बोलेंगे। वेदांत बस 2 मिनट फिर सो जाना। चलो नेक्स्ट इज एडिक्यूसी। एडिक्यूसी का मतलब इधर क्या हुआ कि रिलायबल होना चाहिए। आप जो भी इंफॉर्मेशन निकलवाते हो उसका जो भी आउटकम होता है वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो ऐसे ही, वो एब्सेंट है, मुझे पता है कि वो वेजिटेरियन ही है, चलो लिख देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। भले आपका बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन वो घर पे क्या खाता है आपको नहीं पता, आपके सामने वेज खाता हो ठीक है, बट घर पे नॉन वेजिटेरियन भी, नॉनवेज भी खाता होगा, पॉसिबिलिटी है। तो एज्यूम करके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवानी है आपको, उसको डायरेक्टली पूछ के निकलवानी है। एडिक्वेसी होना चाहिए, जो भी कंक्लूजन निकालो वो सही होना चाहिए। और पहले उसके लिए, कंक्लूजन के लिए इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो कंक्लूजन भी गलत होगा, ओके। बट पहले करेक्ट मेथड करो तो रिजल्ट सही आएगा, ओके। मेथड गलत होगी तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, ओके, क्लियर। चलो ये 4 पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन? सर, यस राज सर, ये 4 महीने उसके पहले वाले में सर, बोल बोल। स्पेशलाइज्ड नॉलेज में आपने बोला कि सर जो 70% है तो उसमें लाइक रॉन्ग आ सकता है, तो सर पर वो तो रॉन्ग कंक्लूजन वाले में नहीं आ गया। मतलब रॉन्ग कंक्लूजन में तेरा आ गया, बट स्पेशलाइज नॉलेज में देखो उसमें क्या लिखा है पहले वो समझ के देखो, तेरा क्वेरी डाउट सॉल्व करो। सैंपलिंग मेथड इन्वॉल्व्स अ टेक्निकल प्रोसीजर, वन मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव। मैंने ऊपर देखो फ्रेमिंग अ सैंपल की बात है, उसमें भी बोला था कि सैंपल सिलेक्ट करो, तो कैसे पता चलेगा यही करेक्ट सैंपल है तेरा? वो कैसे पता चलेगा? उसकी टेक्निक होती है, अब वो टेक्निक प्रॉपरली यूज करनी चाहिए। अगर वो टेक्निक गलत है तो आंसर भी गलत आएगा, कंक्लूजन भी गलत होगा, करेक्ट? यस सर। ओके, यस वेदांत सर, पर ऐसी छोटी सी बात में लोग गलत गलत क्यों बोलेंगे कि तो नॉनवेज में खाते तो खाते, तो क्या हो गया सर? देख एक चीज समझ, यू आर स्टेइंग इन गुजरात, आप सीबीएसई में रहते, आप सीबीएसई में पढ़ते हो, क्योंकि आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल लोग आते, अलग अलग स्टेट से भी लोग आते सीबीएसई में, स्पेशली सीबीएसई में ऐसा होता है कि कुछ लोग के पेरेंट्स यूपी में थे, बिहार में थे, राजस्थान थे, दिल्ली थे, मुंबई थे, कोई भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। गुजरात में स्पेशली ज्यादातर है कि वेज नॉनवेज का इश्यू ज्यादा है। एक मिनट, मैं उसका आंसर देता हूँ, एक ही मिनट।